आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 3 साल बीत गए हैं, फिर भी राशन की दुकान में आज भी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के किसान ऋण माफी योजना के होर्डिंग लगे हुए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला उमरिया से पाली तहसील के ग्राम बरहाई की, जहां एक शासकीय उचित मूल्य के दुकान में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के किसान ऋण माफी योजना के होर्डिंग लगे हैं। सरकार बदल गई लेकिन नहीं बदला बरहाई के शासकीय उचित मूल्य की दुकान की रीति रीति। भाजपा के शासन की योजना होर्डिंग लगाने के बजाय कमलनाथ होर्डिंग आज भी वहां पर लगी हुई है। हालांकि अब वहीं इस मामले को लेकर जिला पंचायत सदस्य और भाजपा के जिला महामंत्री अर्जुन सिंह सयाम ने कहा कि यदि अभी भी पूर्व की सरकार का होर्डिंग लगा हुआ है तो वह गलत है, वर्तमान में भाजपा की सरकार है। मैं खाद्य अधिकारी से बात कर उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन के खिलाफ जांच कर कार्रवाई किए जाने की अधिकारी से बात करूंगा। प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। आपके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हो रहा है कि पाली जनपद के बरहाई शासकीय उचित मूल्य के दुकान में पूर्ववर्ती सरकार के होर्डिंग्स और फोटो लगे हैं और वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और सरकार गरीब जनता मजदूर के लिए निःशुल्क राशन वितरण माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं संबंधित खाद्य अधिकारी से बात करके और होर्डिंग हटवाने का और जो भी सेल्समैन है जो होर्डिंग अभी भी लगा रखा है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, जांच करके ऐसा मैं बात करूंगा।